हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके थ्रू जो CET का एग्ज़ाम, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम जो होने वाला था, उसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आज ही की डेट में आई है निकल कर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट डेट 24 मार्च है और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, SSC, बैंक या फिर रेलवे, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ट्रिवेंट एंड पेंशंस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पोस्ट डेट जो है वो ये दी हुई है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन द बजट ईयर एंड द अनाउंसमेंट वाज मेड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वुड बी सेट अप द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्टेड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट हो, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट टीम जो है वो बना दी गई है। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी या टेस्ट है आपका, ये नॉन गजटेड पोस्ट के लिए आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अंदर अगले पैरा में लिखा हुआ है, इट हैज़ दैट द CET वुड स्क्रीन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सर्टेन कैटेगरी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच रिक्वायरमेंट is carried out through the staff of SSC, Railway, RRBs, Institute of Banking Personnel Selection based of screening done in the set। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो CET है उसके अंदर आपका SSC आएगा और आपका बैंक आएगा। बैंक के अंदर जो आपका है वो आपका एक तो RRBs बैंक होते हैं जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो, और एक IBPS के बैंक होते हैं इसके अंदर वो आएगा। SBI का इसके अंदर अभी तक SBI का जो है IBPS के व्याप में होगा या फिर अपनी अलग वो वैकेंसी वो लेंगे, इसके बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसमें चार डिपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है, SSC और आपका रेलवे और आपका RRBs और आपका IBPS। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ एन एक्सपर्ट एडवर्टाइजमेंट कमेटी हैज़ सिंस बीन सेटअप, यानी कमेटी जो है वो बन चुकी है। और इसके जो इसके अंदर लिखा हुआ ऑफिसर और चेयरमैन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि जो NRA इंक्लूडेड चेयरमैन सिक्योरिटी कम कलेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्टर एंड डिप्यूटी सेक्रेटरी, ये सब इसके अंदर बता दिया गया है कि ये सब इन्होंने टीम बना दी है और इसके अंदर इन्होंने किन किन आदमियों को टीम में शामिल किया है NRA की, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, तो एग्ज़ाम सिलेबस जो इसका रहेगा वो नॉर्मल सिलेबस रहेगा और कॉमन सिलेबस रहेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका GK रहने वाला है। अब ये 100 मार्क्स का होगा या फिर आपका 200 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, इसके बारे में जो नोटिस है वो अभी आपको आज कल में दिख जाएगा और जल्द ही इसके रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म है आपके सामने वो भी जल्द ही आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।